तो मित्रों नमस्कार, मैं शांति भूषण अनुभाग अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों आज ये वीडियो मैंने बनाना जरूरी इसलिए समझा, कल का PCS प्री का पेपर मैंने देखा तो उसके बाद जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो कॉमन गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण डिसक्वालीफाई हो रहे हैं, क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, वो गलतियाँ आर ओ में ना रिपीट हों, इसलिए मैं आप लोगों को आगाह करने के लिए, आप लोगों को जो है अपना अनुभव शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मित्रों इसमें कोई सिखाने वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान कर रख करके हम बड़े आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। दिक्कत क्या है कि हम चीज़ों को गौर नहीं कर रहे, हम चीज़ों को जो है ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, एकदम माइन्यूटली एकदम कीन ऑब्जर्वेशन रखिए आप और चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। UPSC का एक सेट पैटर्न है, हर बार लगभग वैसा ही क्वेश्चन पेपर बनता है। बड़ी अच्छी बात यह है कि इसका सिलेबस लगभग जो है मतलब कंसाइज है, और ये कह लीजिए कि सिलेबस ऐसा है कि आप हर एग्ज़ाम में लगभग उसी दायरे में रह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सीधे पॉइंट पे आकर मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने ऑब्जर्व किया वो आरओ में गलतियाँ वो ना हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना है, किस चीज़ों पर ध्यान देना जहाँ हम चूक जा रहे हैं। तो मित्रों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रख करके इस एग्ज़ाम को PCS लेवल के किसी भी एग्ज़ाम को या UPSC द्वारा कराए जाने वाले किसी भी एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। आप चाहें तो पेन पेपर लेकर के नोट डाउन कर लीजिए, जैसे हम मिसलेनियस से शुरू करेंगे, फिर पॉलिटी पे आएंगे, ज्योग्राफी पे आएंगे, हिस्ट्री पे आएंगे और सारे सब्जेक्ट की बात करेंगे, खास खास चीज़ों पर कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। चलिए हम पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक चीज़ आपने देखा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, गोल्स कब तक के लिए हैं, कितने गोल्स हैं, नंबर एक पे कौन सा है, नंबर दो पे कौन सा, रट डालिए। हर बार जब क्वेश्चन आ ही रहा है, आप पिछला कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, ये 2030 तक जब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की चर्चा होगी तब तक जो है ये 2030 तक इसमें से क्वेश्चन आते रहेंगे। आप इसको छोड़ देते हैं, चाहे वो नंबर वाइज पूछता है कौन सा गोल है, क्या किस गोल में क्या है, या कब तक कंप्लीट होना है, या कुछ भी है उससे रिलेटेड, तो वहाँ पे गलतियाँ बार बार हो रही हैं। इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। जनसंख्या नीति की बात करते हैं, जनसंख्या नीति क्या बार बार तो आती नहीं है, एक बार आती है फिर बड़े लंबे समय बाद आती है, हम उसको पढ़ते नहीं हैं, सिंपल क्वेश्चन गलत कर देते हैं कि जो है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन यानी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य कब तक है भारत द्वारा, ये भी हम जो है बार बार आ रहा है क्वेश्चन, हम वहाँ गलतियाँ कर देते हैं, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोग जो है इन्वायरमेंट में एजेंडा 21 यानी पर्यावरण की बात करें, एजेंडा 21 पूरी दुनिया को मालूम है, चिल्ला चिल्ला हर बार UPSC बताता है, हम उसको नहीं देखते। यहाँ तक कि हम केवल एजेंडा 21 की ही बात ना करिए, पर्यावरण से संबंधित जितने समिट हुए हैं, जितने सम्मेलन हुए हैं, हाल में कोई सम्मेलन हुआ हो तो उसको विशेष करके, और बाकी पीछे से जितना भी सम्मेलन हुआ है उसके मुख्य मुख्य विषय क्या थे, उसमें क्या लक्ष्य रखे गए थे, क्या उनके जो टारगेट्स थे कब तक कंप्लीट होने हैं, क्या इन बातों को हम जो है एक बार पढ़ नहीं सकते। तो जनसंख्या नीति हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गया, आपका एनवायरनमेंट समिट हो गया, तो इन सारी चीज़ों से हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आ गए हम इकोनॉमी पे, इकोनॉमी की बात कर लेते हैं हम मतलब मैं पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं छोटी छोटी बात कर रहा हूँ जहाँ हम ध्यान दे करके अच्छा कर सकते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि जो है इकोनॉमी में आप चलेंगे तो बजट UP का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, दोनों का बजट आपको ध्यान देना ही देना है, किस स्कीम में कितना अलाटमेंट हुआ है, जैसे मनरेगा का इस बार भी पूछा गया कि इसका अलाटमेंट घटाया गया, कितना घटाया गया, और तमाम चीज़ें जो है आती हैं। तो आप जो है बजट से संबंधित, चाहे यूपी का बजट हो चाहे सेंट्रल का बजट हो, बहुत ही बारीकी से उसको अध्ययन करना है। आर्थिक समीक्षा एक दिन पहले आती है बजट से, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आर्थिक समीक्षा और बजट छोड़ के अगर कोई सोचे कि हम इकोनॉमी का पेपर दे लें, इकोनॉमिक्स में अच्छा कर जाए, तो कभी नहीं संभव है। नई योजनाएं लॉन्च हो रही हैं, आप आँख खुली करके रखिए। PM गतिशक्ति योजना कितना फेमस है और कितना ज़्यादा इसका प्रचार भी हुआ है, हर विभाग में जो है गतिशक्ति के नाम से चीज़ें चल रही हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं हम उसके लक्ष्यों पर ध्यान। तो आँखें अगर खुली करके नहीं देखते हैं तो हमारा काम गड़बड़ हो जाता है। इसी तरह आप पॉलिटी में चले आइए, पूरी दुनिया जानती है कि पंचायती राज की जो कमेटियां हैं, चाहे अशोक मेहता समिति हो, चाहे बलवंत राय मेहता समिति हो, थुंगन समिति हो, LM सिंघवी समिति, जो भी समितियां हैं, उनमें से चाहे वो क्रोनोलॉजी मिलाने के लिए, एक क्रम मिलाने के लिए आए, और चाहे जो है उनका ईयर मिलाने के लिए आए, या उनकी क्या क्या उनकी खास बातें थी, उनकी रिकमेंडेशन क्या क्या थी, उनकी संस्तुतियाँ क्या क्या थी, तो उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है।
जो है हम कई सामने से गुजरता हर बार गलतियां कर रहे हैं। एक मैचिंग वाला आता जिसमें ज़्यादातर गलतियां वही अधिकरण वाले में होती है, जो जो भी अनुच्छेद 12 13 14 से इसमें ज़्यादातर इसमें से एक आध गलत लोग करते हैं या कई बार ध्यान नहीं दे पाते, तो एक वहां से मैचिंग में आएगा ही आएगा। मौलिक कर्तव्यों और मौलिक और जो है आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSPs में से कौन कॉमन है, दोनों में है ये आ रहा है, या उसमें से और भी तमाम क्वेश्चन बनते हैं। कई बार फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जितनी भी हैं आपकी 11 उनमें पूरा याद करना है किस में क्या है, पहले कौन सा बाद में क्या है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये सब पूरी जो है रटी होनी चाहिए 11। ये भी आसान काम है, बहुत बड़ा काम नहीं, इतना तो करना ही पड़ेगा किसी भी बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित हमेशा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, इस बार भी आए हैं, वो हमें देखना ही देखना है। अब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस की जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस किसको जो है अपना रिजिग्नेशन इस्तीफा सौंपते हैं, यहाँ भी ये सब बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, तो पॉलिटी में भी इन चीज़ों को करके हम आसानी से स्कोर कर सकते हैं। रही बात ज्योग्राफी में, आपका जो जितने नदियां हैं जलप्रपात हैं आपके जो पासेस हैं इनको दर्रे जिनको बोलते हैं ये आ रहे हैं, सहायक नदियों के बारे में चर्चा हो रही है, कौन सी गंगा की जो है गंगा रिवर बेसिन का पार्ट है, कौन सा महानदी बेसिन का पार्ट है, कौन ब्रह्मपुत्र का पार्ट इसका जो है आप गोदावरी का पार्ट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, हम इनको आराम से कर सकते हैं, तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी, यहाँ भी आप कर सकते हैं। और जो है कहाँ क्या जो है किस कौन सा मतलब उत्पादन की दृष्टि से वर्ल्ड में जो स्थान है, कहाँ कोयला का बेसिन है, कहाँ का लोहे का बेसिन है, ज़्यादा लोहा जहाँ मिलता है, ये सारी चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लगे रहिए, बार बार रिविज़न कीजिए। देखिए एक ही मंत्र है, रिविज़न क्वेश्चन का, अधिकतम रिविज़न, अधिकतम क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, बस कंटिन्यूस, जैसे माला जपी जाती है उसी तरह आप क्वेश्चन क्वेश्चन आप माला जपते रहिए, जितने ज़्यादा कर पाएंगे जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, वो अलग अलग क्वेश्चन जब आप करते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ और बैठ जाती है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। आप करंट के क्वेश्चन थोड़े से कठिन बन रहे हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है, जब आप मैगजीन पढ़ रहे होंगे आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ये चीज़ है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तुरंत आएगा हाँ ये चीज़ है नोट डाउन करने लायक, ऐसे सिंपल ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कई बार, थोड़ा जो है दो तीन पॉइंट्स इसमें क्या क्या खास बात थी, तो तमाम चीज़ें जो है आ रही हैं जो करंट से रिलेटेड हैं, जो लगातार प्रोसेस एक एक मैगजीन को दो दो तीन तीन बार करना ही होगा, कम से कम 6 से 8 महीने की मैगजीन तो करनी ही होगी एग्जाम के पहले की, वहाँ कर सकते हैं। आज भी हिस्ट्री में अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो है कौन लीड किया था जो है ये 1857 क्रांति में, यहाँ कौन लीड किया, वहाँ कौन लीड किया, अलग अलग प्लेसेस पे ईयर उसमें पूछ लिया जा रहा है, तमाम चीज़ों का जो है मैचिंग आ रही है। फिर आप जो है प्राचीन इतिहास में जाएं तो कौन वंश पहले आया कौन बाद में आया, उसकी भी जो है एक ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है।